ये जो गोलकोंडा फोर्ट देख रहे हैं आप, यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जब यहाँ प्रेमवती और तारामती जब डांस करते थे और गाना गाते थे, तो तब अब्दुल्ला कुतुब शाह वहाँ से बैठ के सुनते थे, कहते हवा के जरिए से उनकी आवाज़ जाती थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो हम आज एक्सप्लोर करेंगे तारामती बाराधारी को, और हमारे साथ में है हमारे सेल्फी भाई। चलिए अंदर चलते हैं। यह हैदराबाद रेलवे स्टेशन से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पे है, नारसिंगी रोड पर, इब्राहिम बाग में पड़ता है, मोसी रिवर के किनारे। यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है। तारामती रिसॉर्ट्स भी है, आप रुकना चाहते हैं स्टे भी कर सकते हैं तेलंगाना टूरिज्म। ये रिसॉर्ट्स के अंदर देखिए, हम स्टे तो नहीं कर रहे हैं मगर अंदर का बस आपको दिखाने के लिए आए। चार मार की पुरानी पिक्चर, ये देखिए तारामती और प्रेमवती की पेंटिंग, दोनों बहने थे ये। सेल्फी भाई देखते बैठे और एक पेंटिंग को, क्या है सेल्फी भाई? एंट्रेंस गोलकुंडा का एंट्रेंस है कहते हैं। तो ये देखिए आप रिजॉर्ट्स का, हमें स्टे तो नहीं करना है अंदर, मगर फिर भी आके पूरा रिजॉर्ट्स देख लिए अंदर पेंटिंग्स। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ बाजू में स्विमिंग पूल है अंदर एंट्रेंस में जाने के बाद, चलो वो देखेंगे। थोड़ा अंदर चलते कि हमारे सेल्फी भाई को धमाका करते थे, यहाँ पे बैठेंगे, बेंच अच्छी दिख रही है, बोल के बैठे थे वो। अभी तो और अंदर जाना है आपको, लेफ्ट में गए तो स्विमिंग पूल है। ये सामने मोनूमेंट्स दिख रहा है आपको, वो लास्ट में जाएंगे, पहले यहाँ से जाके और एक स्टेज शो भी होता है यहाँ पे, वो स्टेज शो भी देख के पास भी जाके आएंगे। अगर इस स्विमिंग पूल में तैरना चाह रहे तो अडल्ट के लिए 150 रुपये और चिल्ड्रंस के लिए 100 रुपये टिकट है। अभी फ़िलहाल तो इवेंट चल रहा तो ये क्लोज है। तो ये देखिए आप, स्विमिंग पूल था वो, अभी फ़िलहाल तो बंद है, कुछ फंक्शन चल रहा तो क्लोज रखे। अब चलो ऊपर जाते हैं, यहाँ पे बाजू में स्टेज शो होता है एक। ये सराय जो है एक ही चीज़ से मशहूर है, ये सामने देख सकते हैं आप मोनूमेंट्स, ये एक ही मोनूमेंट्स है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी जाएंगे ऊपर भी, यहाँ पे रात में जो है ना शो भी होते। ये देखिए स्टेज सामने, और ये पूरा बैठने के लिए चेयर्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं शोस रात में जो होते। 1600% की कैपेसिटी है यहाँ इवेंट्स वगैरह करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक थिएटर है उसको विज़िट करते हैं। ये जो थिएटर देख रहे हैं आप, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और ये सीट जो है 500 लोग बैठने की कैपेसिटी है यहाँ पर। तो यहाँ हम थोड़ी देर बैठ जा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, हमारे सेल्फी भाई को अच्छा दिख रहा करते हैं, सुकून दिख रहा करते हैं, बिना टिकट के थिएटर में बैठो तो अच्छा दिख रहा करते। ऊपर मोनूमेंट जाने से पहले यहाँ एक बैंक्वेट हॉल भी है, पहले वो विजिट कर लेते हैं फिर चलते हैं ऊपर। तो अब हम आ गए बैंक्वेट हॉल में, ये देखिए कितने बेहतरीन पेंटिंग्स है पूरा दीवार पर लगे हुए। इसमें 250 आदमी की कैपेसिटी है अगर कोई प्रोग्राम हो। यहाँ की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है, आप कभी भी आ सकते हैं उस बीच। सबसे बेहतर है कि आप इवनिंग में ही आए,
सुपर मोनूमेंट जाने के लिए पहले इतने सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता। चलो चलते हैं आगे। यहाँ अंदर आने के बाद ये रेड साइड पे देखिए प्राइवेट इवेंट्स होते रहते हैं हमेशा। ये चार कोने डब्बा जो देख रहे हैं ना आप, ये मक्का मस्जिद बनाने से पहले उसका मक्का मस्जिद बनाने का प्लान यहीं बैठ के हुआ था। तो फाइनली हम लोग ऊपर आ गए भाई। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे मॉन्यूमेंट्स। तो ये तारामती बारादरी जो है ना, कौन बनाए थे मालूम है? गोलकुंडा किले के चौथे निज़ाम थे इब्राहिम कुली कुतुब शाह, उन्होंने बनाए थे 1880 में। ये बनाने का मकसद ये था कि ये सराय नाम से था, ये सराय था। सराय मतलब जो बाहर से बिजनेस करने के लिए यहाँ आते थे कारोबारी, वो लोगों के लिए यहाँ से आराम करने के लिए ये बनाया गया था आराम का। जो देख रहे हैं आप ये सामने गोलकुंडा फोर्ट, ये यहाँ से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जब यहाँ प्रेमवती और तारामती जब डांस करते थे और गाना गाते थे तो तब अब्दुल्ला कुतुब शाह वहाँ से बैठ के सुनते थे, कहते हवा के जरिए से उनकी आवाज़ जाती थी। फिर ये सराय का नाम चेंज करके गोलकुंडा के सातवें निज़ाम थे, सातवें सुल्तान थे अब्दुल्ला कुली कुतुब शाह, तो उनकी एक फेवरेट डांसर थी यहाँ तारामती प्रेमवती, ये दोनों बहनें थे। मगर तारामती का डांस कुचिपुरी डांस करते थे, वो बहुत ज़्यादा फेवरेट था उनका अब्दुल्ला कुली कुतुब शाह का, तो उनके नाम पे ये सराय का नाम चेंज करके तारामती रखे थे। और तारामती जो है डांस यहीं करते थे, ये सेंटर में कुचिपुरी डांस। तो सेल्फी भाई जुगनू कहीं को नहीं ला रहे, कहीं भी गए थे तुम? जुगनू को इसलिए नहीं आ रहे, इतने कमी ने इतने खलीस है, आखिरी गोल पट्टी है जिगर, इतने बेशरम है उनको, शर्म आ रही, समझ ही भी नहीं आ रहा। जुगनू में कुछ मिले तो बदला, तो हमको एक बार उनको खिले को लेके आके पेलिंग से ऊपर चढ़ा के ऊपर से फेंक देना जुगनू भाई को, इसका जुगनू में पानी भी नहीं मांगते, बोलते भी नहीं कुछ भी जुगनू भाई। ये देखिए बैक साइड, ये मूसी रिवर है, अभी झाड़ों में दिख रहा नहीं, मूसी रिवर के किनारे बना हुआ है ये। यहाँ एक अफवाह भी है, रात में तारामती का शेडो और घुंघरू की आवाज़ आती कहते हैं यहाँ पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी अच्छी जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।